कोई भी बैठा हुआ किसी तरह का स्पष्ट कर दे तो सर छोड़ दे। हाँ कहाँ से है सर? ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखे मैं बता रहा हूँ। कितने लग पाता कोई डाउट मारोगे कोई जाएगा इसको बीच करके जीते उठा उठा के मारना पीछे कोई डाउट नहीं है कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्लियर है ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे हमारे पास तीन घंटे सरकार से बात करने के बाद सरकार ने तीन बात भी नहीं कही जो कि हमारे किसानों के खिलाफ उनका सर फोड़ने का बयान देने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। हम चाहते थे 307 का मुकदमा दर्ज हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो, वो तो छोड़ो। सरकार बातचीत में सरकार बार बार मुआवजे की बात कर रही थी, सरकार कह रही थी अफसर को सजा देने की बात छोड़ो, जब की कीमत पे सौदा नहीं करें। जरूरत हुआ तो करनाल का किसान इतना संपन्न है कि वो चंदा करके अपने साथियों को मुआवजा देने इसलिए कर रहे हैं कि आगे से किसी आईएएस अफसर की हिम्मत ना हो कि किसान के खिलाफ इस तरह की बात हो। तैयार नहीं, बिल्कुल दो टूक बात सरकार ने कही और कुछ भी कर लो हम अपने अफसर के खिलाफ पर्चा दायर नहीं करें। किसान साथियों मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तीन घंटे सरकार से बात करने के बाद सरकार ने तीन बात भी नहीं कही जो कि हमारे हाथ में पहुंची। हम बड़ी उम्मीद से गए थे बातचीत करने, उम्मीद से इसलिए गए थे कि कल करनाल के किसान ने अपना वजन दिखा दिया। शाम हम ये सोच के गए थे कि सरकार को अब तो समझ आ गया होगा कि किसान के मन में कितना गुस्सा है, सरकार को अब तो समझ आ गया होगा कि उनके अफसरों ने जो काम किया वो किसी भी अफसर छोड़िए किसी भी साधारण कर्मचारी के करने लायक काम नहीं था। लेकिन जब हम बात में गए सरकार वहीं की वहीं। अब आप पूछोगे तीन घंटा क्या हुआ, सारा टाइम बैठ के उसी बात की जलेबी बनाते रहे। आखिर में हमें कहना पड़ा कि भाई आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, हमें अपने साथियों से बात करनी है, हम तो अपने साथियों के पास जाएंगे, ये जलेबियां सुनने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है। किसानों की क्या मांग थी? करनाल के किसान ने कहा था कि किसानों के खिलाफ उनका सर फोड़ने का बयान देने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, था ना हमारी मांग थी। किसी भी सिस्टम में ये तो होना ही चाहिए। अब मैं बोल दूं कि भाई मेरे भाई का सर फोड़ दे तो सरकार क्या करेगी? सरकार मेरे खिलाफ पर्चा दायर करेगी चाहे मैं फोड़ू या ना फोड़ू। अगर मैं वीडियो पे बोल दूं कि मैं अपने भाई का सर फोड़ूंगा या इनको कहूं कि तुम जाके इसका सर फोड़ दो तो इसके खिलाफ पर्चा दायर होगा चाहे मैं फोड़ू या ना फोड़ू। हमने कहा कि भाई इस अफसर का तो पूरी दुनिया ने देख लिया, इसमें तो कुछ कार्रवाई करो। हम चाहते थे 307 का मुकदमा दर्ज हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो, वो तो छोड़ो। सरकार किसी तरह का कोई पर्चा दायर करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल दो टूक बात सरकार ने कह दी और कुछ भी कर लो हम अपने अफसर के खिलाफ पर्चा दायर नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमने कहा था कि अफसर को कोई सजा मिलनी चाहिए तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन बर्खास्त तो छोड़िए, सरकार सस्पेंड करने के भी तैयार नहीं। बिल्कुल खुला बोल दिया, मतलब हरियाणा की सरकार कार डूबी हुई है, हरियाणा की सरकार सत्ता के नशे में डूबी और सत्ता के नशे में डूबी सरकार को सिर्फ जनता सिखा सकती है और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए मेरे साथियों हम सब ने मिलकर, भाई यह भी आपको बता दूं,
कि बातचीत में सरकार बार बार मुआवजे की बात कर रही थी। सरकार कह रही थी अफसर को सजा देने की बात छोड़ो, मुआवजे की बात करते हैं। हमने कहा मुआवजा हमारा मुद्दा है, इस पे बात करेंगे, लेकिन इज्जत की कीमत पे सौदा नहीं करेंगे। जरूरत हुआ तो करनाल का किसान इतना संपन्न है कि वो चंदा करके अपने साथियों को मुआवजा दे देगा। हमें सरकार से दान नहीं चाहिए। आपके अफसर ने वो काम किया है जो किसी भी सरकार में, किसी भी समाज में स्वीकार नहीं हो सकता, इसलिए उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि इतनी जिद आप क्यों कर रहे हो? हमने कहा जी जिद इसलिए कर रहे हैं कि आगे से किसी आईएएस अफसर की हिम्मत ना हो कि किसान के खिलाफ इस तरह की बात बोल सके। तो दोस्तों लंबी बात मुझे नहीं करनी है, हम यहाँ पे आ गए। सरकार ने कहा था मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंचने नहीं देंगे, इतना दबका मारा था, गीदड़ बबकी दी थी, ये वो। करनाल के किसान ने दिखा दिया कि हम जहां जाना चाहते हैं वही जाएं। सरकार ने मीटिंग में कहा कि आप धरने को शिफ्ट कर लो, पीछे कोई ग्राउंड है वहां पे ले जाओ। मैंने कहा नहीं जी, तो हमने आपसे सीख लिया, मंदिर वही बनाएंगे, अब ये तो धरना यही पे लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि ये तो मिनी सेक्रेटेरिएट बंद हो गया। हमने कहा हमने बंद नहीं किया, मिनी सेक्रेटेरिएट को ताला हमने नहीं लगाया है, आपने ताला लगाया है, आप देख लो, हमारे से कोई मतलब नहीं है इसका। और यहां पीछे कई दुकानदार भाइयों की दुकानें हैं, उनके लिए मैं विशेष कह दूं, भाई करनाल के किसी नागरिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब हमारे साथी हैं, सब हमारे भाई हैं। आपकी दुकानों को कोई तकलीफ होगी, हमारे साथी यहाँ सबसे पहले आपकी तकलीफ दूर करेंगे। हम नहीं चाहते आपकी दुकानें बंद हो, हम करनाल के सारे नागरिकों के साथ हैं। ये सेक्रेटेरिएट आने वाले आधे से ज्यादा तो किसान है भाई, हम उसको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? तो ये हमने बता दिया जी, हाँ जो करना है करें। तो हमने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, ये घेराव अब आगे चलेगा और अब ये करनाल के किसानों की हिम्मत को चैलेंज है। आपने इतना बड़ा काम तो कर दिया, बस अब जो कर दिया इसको बना के रखना है कुछ देर। आप ये देखना सरकार घुटनों के बल आएगी। ये हिसार में हुआ, यही टोहाना में हुआ और यही करनाल में होगा, सरकार घुटनों के बल आएगी। बस हमें इस मोर्चे को बनाए रखना है। और जैसा मेरे साथी ने याद दिलाया, गुमराम सिंह जी ने भी याद दिलाया, भाई ये 24 घंटे का मोर्चा है, थोड़ा ड्यूटियां बांध दे। मैं नहीं कहता सारे लोग रहे सारा टाइम, ड्यूटी बांध दे, कोई गांव की ड्यूटी 24 घंटे की लगा दो, दूसरे गांव की ड्यूटी अगले दिन लगा दो, अपना रोटेशन का सिस्टम कर लेंगे, लेकिन 24 घंटे हमें यहाँ पे रहना है ताकि मौके का फायदा उठा के सरकार कुछ कर ना सके। सरकार जो कुछ काम करती है रात 3 बजे और 4 बजे किया करती है, तो हमें उसके बारे में सावधानी रखनी है, अपने मोर्चे को बनाए रखना है। मैं एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। करनाल के किसानों ने पूरे देश के किसानों का जोश बढ़ा दिया है, पूरे देश को नया इंजेक्शन दे दिया है किसान मूवमेंट को। हमारा मोर्चा यही है। साथी बता रहे थे याद दिलाने को कि अभी कहीं और जाम लगाने का हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं, हमारी तरफ से बस ये मोर्चा है, इसको मजबूत करेंगे। सरदार जोगिंदर सिंह उग्राह साहब का फोन मेरे पास 1 घंटे पहले आया, उन्होंने कहा पंजाब से एक बड़ा जत्था लेके कल वो करनाल आएंगे। और भाई राकेश टिकैत ने वहीं पे बोल दिया था कि उत्तर प्रदेश के, आपके तो जमुना पार का ही मामला है और क्या है, उत्तर प्रदेश के किसान भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आएंगे और पूरे हरियाणा के हर जिले से किसान यहाँ आएंगे। जिस करनाल को ये सरकार अपने अहंकार का सबूत बनाना चाहती है, उसी करनाल को
हम किसान की ताकत का सबूत बना के दिखाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।